बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, आपको शाद आबाद रखे। तो आज का भी लोग करते हैं जी शुरू। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है मैं सिटी जा रहा हूँ कुछ काम से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक जो है पानी कम हो चुकी है। तो सिटी चलेंगे, सिटी का व्यू भी देखेंगे कि सिटी का क्या सिस्टम है, अभी तक पानी जो है कहाँ कहाँ पे जमा है, कहाँ कहाँ पे पानी खत्म हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है गांव के मनाज़िर भी आपसे शेयर करेंगे। तो अभी सिटी चलेंगे और देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। इस तरफ जो कुछ पानी है खेतों में, बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक पानी कम हो चुकी है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अभी जो है मैं सिटी में एंटर हो चुका हूँ, तो चलेंगे और सिटी का व्यू भी देखेंगे। ये रहा जी सिटी का व्यू। सिटी में जो है एंटर होते ही कहीं कहीं के पे जो है पानी जमा है, और अभी तक मुतासिर जो है रोडों के साइडों पे जो है रियायत पजीर है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिटी में मैं पहुँच चुका हूँ, और ये है जी सिटी का व्यू, आप खुद देख सकते हैं। बहुत ही पानी है यहाँ पे। तो अभी चलेंगे जी मेन जगह पे, यहाँ से हम जो लिंक रोड अंदर से लेके अंदर से चलेंगे। और देखेंगे जी यहाँ से क्या सूरत हाल है। ये है जी मेन चौक का व्यू, आप देख सकते हैं इस तरफ पानी नहीं है, काफी हद तक पानी जो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे भी जो है अभी काफी रोडों से जो है पानी खत्म हो चुकी है, बाकी जो रोड ठीक ही है। यहाँ जो है कि गली है, गलियों के अंदर है, तो ट्रैफिक जाम भी है, ट्रैफिक जाम के पानी जमा है, तो उस वजह से ट्रैफिक जाम है। सामने देखे हर तरफ पानी है, आप देख सकते हैं। तो हम चलेंगे जी ऑफिस, अभी हमारा ऑफिस आ चुका है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फाइनली गांव के लिए मैं निकल चुका हूं, और ये रास्तों पे देखे कितना पानी है। अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पानी कम हो चुकी है, आप खुद देख सकते हैं कि हर तरफ जो है पानी है। और अभी जो है सूरज अच्छी तरीके से जो है, बादल वगैरह नहीं है आसमान में, तो उस लिए जो है काफ़ी हद तक पानी भी कम हो चुकी है। बाकी ये हैं जी हमारे सिटी के मनाजिर, जहाँ पे रोड नीचे हैं, यहाँ जो है कि खड्डे वगैरह हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा है, बाकी पानी नहीं है। अभी जो स्कूल के भी छुट्टी हो गए हैं, तकरीबन टाइम जब पौने 2 बजने वाला है, तो नमाज भी पढ़नी है, तो गांव के लिए मैं निकल चुका हूँ। स्कूल के छुट्टी का टाइम हो चुका है, तो बच्चे भी वापसी आ रहे हैं, और आगे जो है स्कूल है उसमें शायद कैंप भी लगी हुई है, ये है मेरे ख्याल से कैंप भी लगी हुई है, लेकिन कुछ स्कूल शायद क्लासेस खाली थे, तो उसमें जो है क्लासेस भी चल रही थी। तो चलेंगे और आपको व्यू भी दिखाएंगे, और इंशाल्लाह शाम के टाइम में गांव का नज़ारा भी चेक करेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है गांव पहुंच चुका हूं, तो इंशाल्लाह अभी जो तकरीबन 3-4 बजने वाले हैं,
तो इंशाल्लाह शाम के टाइम में आपसे जो है, शाम के टाइम में इंशाल्लाह आपसे जो है विलेज रूटीन भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मैं गांव से बाहर आया हूँ खेतों में, जो हमारी रूटीन वाला खेत है जिसमें हम अक्सर मैं ज़्यादातर इस तरफ आता हूँ क्योंकि इस तरफ शोर शोर वगैरह नहीं होती। क्योंकि उस साइड अगर हम गांव के सामने वाले साइड चले जाएं तो उसके सामने नहर है, तो नहर के साइड से भी रास्ता है, तो गाड़ी वगैरह आने जाने से जो है शोर पैदा होता है, तो उसके लिए यही हल हमने ढूंढा है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सुकून मिलता है, तो अभी आपको व्यू दिखाएंगे जी खेतों का। खेतों का व्यू आपको ये लें, ये देखें माशाल्लाह कैसे गोल्डन कलर में कपास का फसल मौजूद है और पानी अभी भी खड़ा है ज़मीन में। तो ये है जी सामने गांव, और हम आए हैं जी गांव के बैक साइड पे, तो सोचा कि आज गांव का जो है आपसे शेयर करें। काफी हद तक जो है कपास की फसल जो है खत्म हो चुके हैं, पानी ज्यादा खड़ा होने की वजह से जो है जल गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रिज़क देने वाला है, इंशाल्लाह आइंदा जो आने वाला फसल है गंदम का वो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। अगर देखा जाए तो गांव की लाइफ ही एक अलग चीज़ है, नेचर उसमें, और अगर कोई गांव में रहने वाला है तो वो ही समझ सकता है, एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी। और गाँव में अगर आप रहते हैं तो आप ऐसा समझे कि आज़ाद हैं, आपकी दोस्ती परिंदों से, जानवरों से, खेतों से हो सकती हैं, आपको बहुत ही सुकून। अभी हम घूम रहे हैं तो ऐसा समझे बहुत ही सुकून है हमारे ज़िंदगी में, लाइफ में। सामने जो है ये टावर लगी हुई है, जेज वालों ने लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं गोल गोल। तो गांव के करीब एक गांव है उसमें ही लगाई हुई है उन्होंने, तो तकरीबन इसको कुछ मंथ हो चुके हैं। तो बस अभी चलेंगे गांव की तरफ, और मगरिब की आज़ानें भी होने वाली हैं, टाइम तो तकरीबन अभी आधा घंटा से ज़्यादा हैं, तो चलेंगे, तैयारी भी करनी है। और बहुत ही सुकून मिला लाइफ में और विलेज में, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं विलेज के हिसाब से विलेज पे व्लॉग बनाया करूं डेली बेस पे। अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो वो भी व्लॉग। अभी जो है मेरी फुल तैयारी थी, लेकिन बारिशों के हालिया बारिशों के बायस बहुत ही सैलाब के वजह से जो है हर जगह हर शहर में पानी पानी है, तो उस वजह से मैंने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। तो इंशाल्लाह अभी सर्दियों में तैयारी फुल है। अगर हम ऊपर देखा जाए तो सवात कालाम इधर बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो पानी जो है ना पानी के रेलों के वजह से, बाकी बारिश ने इतनी नुकसान नहीं की। तो सर्दियों में अभी कोशिश है कि यहाँ तो इंशाल्लाह बर्फ़बारी देखने चलेंगे, या इन अधर हम जो हैं कि ट्रिप स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह वक्तन बवक्त आपसे कनेक्ट हैं, आप हमसे कनेक्ट हैं, तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह कुछ न्यू करते रहेंगे, तो बहुत ही मज़ा आएगा।
जी तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे खत्म। इसी के साथ मैं सुलेमान नवाब शाह व्लॉगर को दीजिए इजाज़त। आपको हमारी आज की जो डेली न्यू व्लॉग अभी स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो कैसे लगी ज़रूर बताना। तो अभी मैं यही कोशिश करूँगा कि डेली बेस पर जो है न्यू व्लॉग बनाया करें, आप दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप दोस्तों के प्यार सपोर्ट से इंशाल्लाह 100 के पूरे होने हैं, 1 मिलियन पूरे होने हैं, गोल्डन सिल्वर प्ले बटन आनी है। तो मिलते हैं तमाम जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना MS व्लॉग्स नवाब शाह व्लॉगर को। अल्लाह हाफिज़।